आपने अब तक देखा कि स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना और मशीनरी खाते का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। आइए अब मूल्यह्रास की गणना की दूसरी विधि यानी कि क्रमागत ह्रास पद्धति के बारे में हम जानते हैं। क्रमागत ह्रास पद्धति, जिसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, अगर इसके अर्थ पर एक नज़र डालें तो क्रमागत यानी कि क्रम के अनुसार धीरे धीरे प्रतिवर्ष ये घटती जाती है। जैसे कि हमने स्थायी किस्त पद्धति में देखा कि संपत्ति पर मूल्यह्रास की गणना एक बार कर लेते हैं उसकी लागत पर, और फिर उसी को हम हर वर्ष प्रयोग में लाते हैं मूल्यह्रास के रूप में। लेकिन जब हम घटती किस्त पद्धति की बात करते हैं तो यहाँ पर हम संपत्ति के घटे हुए मूल्य में से मूल्यह्रास की गणना करते हैं। प्रतिवर्ष अलग अलग कैलकुलेशन हम मूल्यह्रास के लिए करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख लें, 1 जनवरी 2020 को 10,000 रुपये की लागत की एक मशीन खरीदी गई। इस पर 3 वर्ष तक मूल्यह्रास की राशि की गणना करते हुए मशीन खाता बनाइए। इस कंडीशन में हमको, क्योंकि 10,000 रुपये की मशीनरी पर 3 वर्ष तक मूल्यह्रास की गणना करनी है, तो हमको हर साल इसके घटे हुए मूल्य पे अलग अलग मूल्यह्रास की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे सिर्फ कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2020 को हमने मशीनरी खरीदी थी और इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर 31 दिसंबर को क्लोज होती है तो हम देखते हैं कि हम हर वर्ष घटे हुए मूल्य पर 10% मूल्यह्रास की गणना करेंगे। जैसे यहाँ पर 31 दिसंबर को अगर हम इस 10,000 रुपये की मशीनरी पर 10% मूल्यह्रास लगाएं तो यहाँ पर हमको 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपये मूल्यह्रास मिलेगा। और अगर हम बुक वैल्यू निकालें यानी कि संपत्ति की लागत में से मूल्यह्रास को घटा दें तो बुक वैल्यू यानी कि पुस्त मूल्य हमको मिल जाता है यहाँ पर 10,000 - 1,000 9,000 रुपये मिल जाते हैं। अब जब 2021 में हम इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम इस घटे हुए मूल्य पर यानी कि इस 9,000 रुपये पर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो 9,000 रुपये पर हम फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10%, यानी कि यहाँ पर 2021 में हमको 900 रुपये डेप्रिसिएशन यहाँ मिलेगा। और अब जब हम 9,000 रुपये में से ये 900 रुपये डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो 8,100 रुपये जो है वो हमारे लिए फिर से पुस्त मूल्य हो जाएगा, बुक वैल्यू हो जाएगी मशीनरी की। और 2022 में फिर हम इसी बुक वैल्यू पर, इसी 8,100 रुपये का जो बैलेंस अमाउंट है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 810 रुपये हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम घटती शेष पद्धति से हर साल घटे हुए मूल्य पर, घटती हुई बुक वैल्यू पर, घटते हुए पुस्त मूल्य पर डेप्रिसिएशन के अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। यही कारण है कि इसको हम घटती किस्त पद्धति या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, क्योंकि बैलेंस जो होता है इसमें वो रिड्यूस होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। अब अगर हम बात करें इस पद्धति की विशेषताओं की, जैसे हमने घटती किस्त पद्धति के बारे में बहुत कुछ जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में जब हमने जाना तो उसके अर्थ को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। आइए देखते हैं घटती किस्त पद्धति की कौन कौन से विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आपने अभी उदाहरण में देखा, साल दर साल उसका जो उसकी जो बुक वैल्यू है, पुस्त मूल्य है, वो घटती जाती है और उस घटे हुए बुक वैल्यू पर ही हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो ये एक इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष में मूल्यह्रास की राशि संपत्ति के पुस्त मूल्य से घटती जाती है। जैसे कि आपने देखा उदाहरण में कि किस तरह से हमने 10,000 - 1,000, फिर 9,000 - 900 और 8,100 - 810, इस तरह से हमने साल दर साल उसकी राशि को किस तरह से हम लगातार घटाते गए। तीसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि प्रतिवर्ष ह्रास निश्चित प्रतिशत से पुस्त मूल्य पर लगाया जाता है, यानी हर बार डेप्रिसिएशन के अमाउंट जो है वो चेंज होती है, ये एक अलग बात है, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास की दर जो होती है वो प्रतिवर्ष समान होती है, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता है क्वेश्चन में
कि कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष के आधार पर आपको मूल्यह्रास की गणना करनी है। एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर ये भी हमने देखी कि प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास की राशि असमान थी, जिससे कि हमने स्थायी किस्त पद्धति में देखा कि एक बार हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, हर साल वही डेप्रिसिएशन हम मशीनरी अकाउंट में लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हर साल हमको अलग अलग ज्ञात होती है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि हास की जो राशि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो साल दर साल कम होते जाती है। हमने देखा कि किस तरह से हमने 1000, फिर 900, फिर 810 और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भी हमको ऐसी दशाएं मिलेंगी जब डेप्रिसिएशन के जो अमाउंट है वो साल दर साल घटती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन घटे हुए मूल्य पर करनी होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी घटती जाती है। एक महत्वपूर्ण विशेषता हम ये भी देखते हैं यहाँ पर कि हमने स्थायी किस्त पद्धति के बारे में देखा था कि ये जो मेथड है उसको आयकर विभाग के द्वारा मान्य नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ अगर हम घटती किस्त पद्धति की बात करें तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि घटती किस्त पद्धति को आयकर विभाग के द्वारा मान्य किया गया है। तो ये हमने बात की इसके विशेषताओं की। अब अगर हम देखें कि इसके लाभ क्या हैं, क्यों हम घटती किस्त पद्धति से मूल्यह्रास की गणना करें, तो एक तो सबसे पहली बात कि बहुत सरल पद्धति है, हमको घटते हुए मूल्य पे घटाते जाना है वैल्यू को और उस पे हमको मूल्यह्रास कैलकुलेट करते जाना है। दूसरा इसका एक लाभ ये भी हो सकता है कि वैज्ञानिक है, आयकर विभाग द्वारा मान्य है, वैधानिक मान्यता इसको प्राप्त है। जैसा कंसेप्ट है कि भाई घटा हुआ मूल्य है, जितनी वैल्यू है संपत्ति की उस पर ही डेप्रिसिएशन होना चाहिए, तो उन सिद्धांतों को भी ये फुलफिल करती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में हम इसको अपना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, एक लाभ इसका ये भी देखा जाता है कि इसमें संपत्ति के मूल्य को शून्य तक ज्ञात नहीं किया जाता, कोई ना कोई उसकी वैल्यू रहती है और फिर हम प्रोविजन फंड या फंड अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं, जबकि स्थायी किस्त पद्धति में हमने देखा कि पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देते हैं, पूरा शून्य ला देते हैं। हालांकि व्यवहारिक जीवन में अगर देखा जाए तो वो स्थायी किस्त पद्धति की जो कंडीशंस थी वैसा होता नहीं है, जैसे कि हमने अपने क्रियात्मक प्रश्नों में भी देखा। एक लाभ इसका ये भी है कि ये न्याय संगत है। जब हम स्थायी किस्त पद्धति से गणना कर रहे थे तो हमने उसके दोष में देखा था कि भाई जब संपत्ति का मूल्य घट गया है तो उसमें उसके लागत मूल्य पे डेप्रिसिएशन लगाने का क्या औचित्य है, कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण लग रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमको न्याय संगत लगता है कि जितनी बुक वैल्यू की वो मशीन है या एसेट्स है केवल उतनी बुक वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। तो एक ये न्याय संगत प्रणाली के रूप में हम इसको अपना सकते हैं। एक लाभ इसका ये भी होता है कि मूल्यह्रास की जो राशि रहती है, एक प्रकार की हमारे लिए हानि है, व्यय है एक प्रकार का, ये जो है साल दर साल हमने देखा कि कम होती जाती है, घटती जाती है। तो एक लाभ और हमको मिलता है अगर हम घटती किस्त पद्धति का उपयोग करते हैं अपने मूल्यह्रास की गणना में। तो ये तो हमने बात की इसके लाभ की, इसके साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं। आइए इसके दोषों पर एक नजर डालें। यहाँ हम देखते हैं कि एक तो जटिलता आती है इसमें, हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना, टाइम का ध्यान रखना, कब से कब तक वो मशीनरी हमारे पास रही, कितना उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाए, हर साल उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जटिल लगती है। एक दोष इसका ये भी कहा जा सकता है कि गणना करने में कठिनाई, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हमेशा बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, बार बार बुक वैल्यू कैलकुलेट करना, प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो इसमें कैलकुलेशन में कठिनाई होती है। तीसरा एक दोष हम ये देखते हैं कि सभी संपत्तियों के लिए उपयुक्त है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये केवल उन्हीं संपत्तियों के लिए उपयुक्त है जिनका जीवन काल या तो बहुत लंबा होता है और जिनकी वैल्यू जो होती है, जिनकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत अधिक होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि महंगी मशीनरी जो होती है, महंगी संपत्तियाँ जो होती हैं, उनके लिए इस विधि से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सही होता है। साथ ही साथ अब अगर हम देखें कि घटती किस्त पद्धति की उपयोगिता कहाँ पर है, इसकी उपयोगिता के क्षेत्र कहाँ हैं, तो जैसे कि हमने इसके लाभ दोष इनकी विशेषताओं के अंतर्गत भी जाना,
एक तो ये उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त होती हैं जो अधिक मूल्यवान होती है, यानी कि महंगी संपत्तियां होती हैं, जिनमें बुक जो वैल्यू होती है, पुस्तक मूल्य जो होता है वो जरूरी होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, उन संपत्तियों के लिए यानी महंगी संपत्तियों के लिए ये उपयुक्त होती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त होती हैं जिनका जो जीवन काल होता है, इनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी लंबे समय तक हम उनको यूज़ कर सकें। ये तो हमने देखा कि घटती किस्त पद्धति कहाँ कहाँ पर उपयोगी है। अब हमने देखा कि स्थायी किस्त पद्धति क्या थी, उसकी हमने विशेषताएं जानी, गुण जाने, दोष जाने, बहुत सारे क्रियात्मक प्रश्न भी हमने हल किए। घटती किस्त पद्धति के बारे में भी हम काफी कुछ जान चुके हैं, तो अब आइए देखते हैं कि अगर एक अंतर इन दोनों में देखा जाए, लिखा जाए, तो स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति में अंतर क्या क्या हम देख सकेंगे। मूल्यह्रास की स्थायी प्रभाव पद्धति तथा क्रमागत शेष पद्धति में अंतर। पहला, मूल्यह्रास की गणना के आधार पर स्थायी प्रभाव पद्धति के अंतर्गत संपत्ति के मूल लागत पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है, जबकि क्रमागत शेष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। दूसरा, हास के राशि के आधार पर स्थायी प्रभाव पद्धति के अंतर्गत प्रतिवर्ष हास की राशि समान रहती है, जबकि क्रमागत शेष पद्धति के अंतर्गत प्रतिवर्ष हास की राशि घटती जाती है। उपयोगिता के आधार पर स्थायी प्रभाव पद्धति ऐसी संपत्तियों के लिए उपयुक्त है जो कम मूल्य एवं कम जीवन काल वाली होती है तथा जिन पर मरम्मत व्यय कम होता है, जबकि क्रमागत शेष पद्धति ऐसी संपत्तियों के लिए उपयुक्त है जिनका मूल्य अधिक है तथा जीवन काल अधिक है तथा जिन पर मरम्मत व्यय अधिक होता है। चौथा, जीवन काल के अंत में संपत्ति के मूल्य के आधार पर स्थायी प्रभाव पद्धति के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना करने पर संपत्ति के जीवन काल के अंत में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है, जबकि क्रमागत शेष पद्धति के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना करने पर ह्रास की दर कितनी भी ऊंची हो संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता। पांचवा, लाभ हानि खाते पर भार के आधार पर स्थायी प्रभाव पद्धति में लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष मूल्यह्रास का भार समान रहता है, जबकि क्रमागत शेष पद्धति में प्रत्येक वर्ष ह्रास का भार समान नहीं पड़ता, अर्थात उपयोगिता के साथ साथ कम होता जाता है। छठवां, मान्यता के आधार पर स्थायी प्रभाव पद्धति आयकर अधिनियम के अनुसार मान्य नहीं है, जबकि क्रमागत शेष पद्धति भारतीय आयकर अधिनियम तथा भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार मान्य है। तो आपने देखा कि स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति में क्या अंतर है। अब हम बात करें इनके क्रियात्मक प्रश्नों के हल की। उससे पहले हम जान लें कि अगर हम घटती किस्त पद्धति के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना कर रहे हैं, उसके आधार पर हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई मशीन बेच दी जाती है तो बेची गई मशीन पर लाभ हानि की गणना हम कैसे करेंगे। इस कंडीशन में हमको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन वो मशीन बेची गई उस दिन उस मशीन की बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक मूल्य क्या था, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये ध्यान में रखना है कि वो मशीन किस तिथि को बेची गई है। तीसरा प्रोसेस यानी तीसरी महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान में रखनी है और करना है कि विक्रय तिथि तक इस मशीन के पुस्तक मूल्य से डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है विक्रय तिथि तक, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वहां से लेकर विक्रय तिथि तक हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बेची गई मशीनरी पर। ये हमारा थर्ड प्रोसेस होगा। फोर्थ प्रोसेस में हम देखेंगे कि संपत्ति का पुस्तक मूल्य यानी ओपनिंग बैलेंस क्या था और
कितना हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ये जो हमको प्राप्त होगा वो होगा विक्रय तिथि पर मशीन की लागत, यानी जिस दिन हमने उस मशीन को बेचा उस दिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, और जो वैल्यू हमको मिलेगी इसमें से हम फिफ्थ प्रोसेस में माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस। फिफ्थ प्रोसेस में हम ये जो डिफरेंस निकालेंगे, बेची गई तिथि पर मशीन का मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही बेची गई मशीन पर लाभ या हानि कहलाएगा। अगर इस तिथि पर मशीन का जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक है तो भाई हमको हानि होगी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है कि जिस दिन मशीन बेची गई उस दिन संपत्ति का जो मूल्य था वो संपत्ति के विक्रय मूल्य से कम है तो यहाँ पर हमको लाभ होगा। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बेची गई मशीन पर लाभ हानि की गणना कर पाएंगे। यहाँ पर हमको एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखना है कि दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द का क्या महत्व है। हम यहाँ पर घटती किस्त पद्धति की बात कर रहे हैं, दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द का क्या महत्व है ये हमको ध्यान में रखना है। और इसको जानते हुए आइए हम देखते हैं कि क्रमागत पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास की गणना करते हुए क्रियात्मक प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 को एक पुरानी मशीन 37,500 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत तथा स्थापना पर 2,500 रुपए खर्च किए। घटती शेष पद्धति पर वार्षिक ह्रास 10% लगाया गया। 30 जून 2018 को मशीन अनुपयोगी हो गई और 18,000 रुपए में बेच दी गई। मशीन खाता बनाइए यह मानते हुए कि खाते 31 दिसंबर को प्रतिवर्ष बंद किए जाते हैं। अ कंपनी परचेस अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹37,500 ऑन 1 अप्रैल 2015। दे स्पेंट ₹2,500 ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Machinery account assuming that the account on 30th June 2018 the machinery was found to be unsuitable and sold for ₹18,000. Prepare the machinery account assuming that account are closed on 31st December each year. इस क्वेश्चन में हमको घटती किस्त पद्धति यानी कि reducing balance method से depreciation calculate करना है। मशीनरी अकाउंट हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से मशीनरी अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब 2015 फर्स्ट अप्रैल को मशीनरी खरीदेंगे उसकी एंट्री हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। तो डेबिट में हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल टू कैश, और मशीनरी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 37,500 की हमने परचेस की थी और 2,500 उस पर एक्सपेंस किए थे, यानी 40,000 की हमारी मशीनरी है। अब 31st दिसंबर 2015 को जब हम इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम 40,000 पे 10% डेप्रिसिएशन हमको लगाना है, लेकिन क्योंकि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31st दिसंबर को और हमने परचेस किया है 1st अप्रैल को, तो यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन 9 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करना है, अप्रैल टू दिसंबर। तो हम कैलकुलेशन करेंगे 40,000 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 12, यानी 3,000 हमको डेप्रिसिएशन यहाँ पर मिलेगा। बैलेंस हम लिख लेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 37,000 और 40,000 टोटल से हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और इस बैलेंस को जब हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2016 में 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 37,000। 2016 31 दिसंबर को फिर से हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे। अभी तक हमने कोई नई मशीन न तो खरीदी है न बेची है, तो सिंपल हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे और बैलेंस लिख के बंद कर देंगे 2016 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,700, और इसका हम बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 33,300।
अब 33,000 ये जो बैलेंस है इसको हम जनवरी 1 को ट्रांसफर कर लेते हैं टू बैलेंस बीडी 33,300। और 2017 में भी हमने ऐसा कुछ नया यहाँ पर नहीं किया, ना तो हमने कोई मशीनरी परचेस की है, ना हमने कोई मशीनरी सेल की है। तो सिंपल हम ये जो हमारे पास एक मशीनरी है इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि अब हम आ गए हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, घटती किस्त पद्धति से। तो अब हमको यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 33,300 का ये जो बैलेंस है इस पर हमको 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जिसे प्रीवियस ईयर में हमने देखा था कि हमारे पास जो बैलेंस था 37,000 उस पर हमने 10% कैलकुलेट किया था 1 ईयर का, तो 3700 आया था। वैसे ही इस साल 2017 में हम जो बैलेंस हमको मिला था 33,300 उस पे 10% हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये हमको मिलेगा 3,300। और फिर इस पे हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो 33,300 माइनस 3,300 यानी 29,970 ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 33,300। अब ये जो बैलेंस है 29,970 इसको हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस बी डी 29,970। और 2018 में अब हम इसको क्योंकि 30 जून को सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 18,000 में हम इसको सेल कर रहे हैं। इस पे हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना आता है। तो यहाँ पर हमको नया एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1 जनवरी को 2018 में। ये जो मशीनरी है 29,970 की थी, जनवरी का बैलेंस है हमारे पास और मशीन को हम सेल कर रहे हैं जून में 30 जून को, यानी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन इस मशीन को बेचते समय हमको कैलकुलेट करना है। तो 29,970 × 10 × 6 / 100 × 12 ये हमको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 6 मंथ का मिल जाता है 1,498.50। हम हालांकि इसको राउंड फिगर में 1,499 भी लिख सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर 50 पैसे शो किया है। अब हम देखते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो 29,970 रुपीज की मशीनरी थी, इस पे डेप्रिसिएशन 1,498.5 माइनस करने के बाद अब ये मशीनरी हो गई 28,471.5। इस मशीनरी को हमने 18,000 में सेल कर दिया यानी हमको लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ, हम 28,471.5 में से 18,000 को माइनस कर देते हैं तो हमको 10,471.50 हमको यहाँ पर लॉस हो जाता है। इसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,471.50। अमित ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 1 जुलाई 2015 को एक ट्रक 5 लाख रुपए में क्रय किया। 1 अप्रैल 2017 को ट्रक एक दुर्घटना में पूर्णतया नष्ट हो गई और बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार करते हुए 3 लाख रुपए भुगतान किए। उसी तारीख को कंपनी ने दूसरा ट्रक 6 लाख रुपए में क्रय किया। कंपनी 20% वार्षिक की दर से ह्रास आलेखित मूल्य पद्धति पर करती है तथा खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। 3 वर्षों का ट्रक खाता बनाइए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि एक ट्रक जो खरीदी गई है एक स्थायी संपत्ति है और जैसे हम मशीन और फर्नीचर के लिए खाते बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसके लिए खाते बनाएंगे। 2015 1 जुलाई को ये परचेस की गई है। इसकी एंट्री हम करेंगे 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, डेबिट साइड में हम लिखेंगे ट्रक अकाउंट के 5 लाख में हमने इसको परचेस किया है। और 31 दिसंबर को क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो 31 दिसंबर से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रक कितने दिन हमारे पास फॉर्म में रही है। 1 जुलाई यानी जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर 6 मंथ ये ट्रक हमारे पास फॉर्म में रही है। तो हम 5 लाख का 20% 6 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ जाएगा हमको यहाँ पर 50,000। और अब हम इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे यानी 5 लाख माइनस 50,000
तो 4,50,000 इसका हमको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा, और जो कि क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 31 दिसंबर के लिए। और जब हम जनवरी 2016 के लिए बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 4,50,000। और अब हम 31 दिसंबर 2016 को फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, घटती किस्त पद्धति यूज कर रहे हैं, तो हमको हर साल मशीन के घटे हुए मूल्य पर बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब मशीन का घटा हुआ मूल्य हमको यहाँ पर मिल रहा है 4,50,000, इस पे हम 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1 ईयर के लिए, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 90,000। और ये बैलेंस हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4,50,000 माइनस 90,000 यानी 3,60,000। और फिर इस 3,60,000 को हम 1 जनवरी को बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस BD 3,60,000। ये फर्स्ट मशीनरी हो गई। और 1 अप्रैल को एक और मशीन हम परचेज कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और 6 लाख की ये मशीनरी है। तो हम इन दोनों मशीनरी को मार्किंग कर देंगे, फर्स्ट मशीनरी और सेकेंड मशीनरी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल को ये जो एक मशीनरी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, ट्रक जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, और इस पे कुछ क्षतिपूर्ति हमको प्राप्त हो रही है बीमा कंपनी से। एक तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट वैसा ही करते हैं जैसे कि हम किसी एसेट्स को सेल कर रहे हैं, और क्योंकि सेल करने से जो अमाउंट मिलता है उसके बाद हम फिर से कैलकुलेट करते हैं कि अब लॉस कितने का हुआ है फिर प्रॉफिट हुआ, तो वैसे ही इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद भी हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितने का हुआ या फिर लॉस कितने का हुआ। तो 1 अप्रैल 2017 को जो हमको इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख मिल रहा है, उसके क्योंकि अगर हम जनरल एंट्री पास करते तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, इसलिए हम ट्रक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में हम चाहे तो बाय इंश्योरेंस कंपनी लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि ये अमाउंट आई कहाँ से है। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 लाख की ये अमाउंट आएगी, इसकी इतने इतना हमको कंपनसेशन मिला है, और ये जो लॉस हुआ है हमको इस ट्रक से उस पे हम देखते हैं कि फिर ये इसकी वैल्यू कितनी थी। तो 3,60,000 का ये ट्रक था, और जनवरी का बैलेंस है हमारे पास जनवरी फरवरी और मार्च, 3 मंथ तक ये ट्रक हमारे पास था। 1 अप्रैल को हमको इससे क्लेम मिल रहा है, तो हम 3,60,000 का 3 मंथ का 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 3,60,000 इंटू 20 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 12, तो 18,000 हमको यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे 3,60,000 में हम 18,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमको बैलेंस मिल जाएगा